नमस्कार, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई। सुनील शर्मा ने उम्मीदवारी छोड़ दी है। प्रताप सिंह खाचरियावास अब प्रत्याशी होंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के खेमे से। जयपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा, उम्मीदवारी छोड़ते हुए कहा, मेरी वजह से पार्टी का अहित नहीं होना चाहिए। अब प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी होंगे। कांग्रेस ने दो प्रत्याशियों के नाम कल घोषित किए थे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, बड़ा फेरबदल कांग्रेस पार्टी के अंदर। सुनील शर्मा ने उम्मीदवारी छोड़ दी और अब प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार घोषित किए जा चुके हैं। तो कांग्रेस ने सुनील शर्मा की जगह अब खाचरियावास को टिकट देना है, उनको रिप्लेस कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर में अपना लोकसभा उम्मीदवार बदल दिया है, सुनील शर्मा का टिकट काट दिया गया। प्रताप सिंह खाचरियावास अब कांग्रेस पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार होंगे। सुनील शर्मा ने कहा कि मेरी वजह से पार्टी का अहित नहीं होना चाहिए, ये कहते हुए उन्होंने उम्मीदवारी छोड़ दी है, या यूं कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने जयपुर शहर में अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार होंगे लोकसभा 2024 के लिए। तो जयपुर शहर सीट से उम्मीदवार बदला गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब सुनील शर्मा यहाँ से प्रत्याशी थे अब तक, अब प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस पार्टी के टिकट पर यहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने दो प्रत्याशियों के नाम कल घोषित किए थे। हमारी संवाददाता हर्षा कुमारी सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं। हर्षा, ये बड़ा उलटफेर कांग्रेस पार्टी ने अपना लोकसभा प्रत्याशी बदला है, सुनील शर्मा की जगह अब खाचरियावास को प्रत्याशी बनाया गया है, क्या कुछ हुआ है, पीछे की क्या कहानी है इसमें? उनका नाम विवादों में आ गया था जब से उनका नाम जयपुर डायलॉग्स के साथ जुड़ा गया था। जयपुर डायलॉग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, जिसमें कहीं कहीं कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स उनके सामने आए थे, राहुल गांधी को लेकर, एक समुदाय विशेष को भी लेकर। इसके बाद में सुनील शर्मा ने अपनी सफाई भी दी थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैं शुरू से कांग्रेसी हूँ, उनके पिता भी कांग्रेस में थे। उन्होंने ये भी बताया था कि किस तरह से वो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इन प्लेटफॉर्म्स पे वही किया है कि उन्होंने प्लेटफॉर्म्स पे कांग्रेस की विचारधारा ही रखी थी। बट ऑब्वियसली पार्टी को लगा कि जयपुर जैसे प्रतिष्ठित सीट पर ये जो है बिल्कुल एक प्रेस्टीज का इशू है, और इसमें एक कंट्रोवर्शियल कैंडिडेट को खड़ा करना जिससे आगे जाके पार्टी की दिक्कत बढ़ सकती है, इसलिए पहले ही पार्टी ने उनसे विड्रॉ करवा लिया है और प्रताप को दे दिया है। आप जानते हैं कि प्रताप सिंह खाचरियावास पार्टी के सिविल लाइन से पहले एमएलए हैं, रह चुके हैं, दिग्गज नेता हैं, जयपुर में कांग्रेस में एक्टिव भी हैं ग्राउंड पे, और साथ ही वो एक मतलब अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के करीबी माने जाते हैं, और वो अच्छी टक्कर देंगे जो भी बीजेपी जिसको खड़ा करेगी। जी बिल्कुल। और क्या खाचरियावास के ऊपर भी अब हर्षा ये बड़ी जिम्मेदारी ये रहने वाली है, क्योंकि अब उनका नाम आ गया पार्टी प्रत्याशी के तौर पर, तो एक बड़ी चुनौती उनके सामने भी होगी ये सीट निकाल कर अपनी पार्टी को देना। प्रताप सिंह खाचरियावास के लिए बहुत बड़ी चुनौती इससे रहेगी कि जयपुर ज्यादातर कांग्रेस नहीं मानी जाती है और खासकर राजपूत सीट नहीं मानी जाती है, इसको ब्राह्मण बढ़िया सीट मानते हैं, ब्राह्मण वैश्य मानते हैं, तो ऐसे खाचरियावास के लिए बहुत बड़ी चुनौती। और ये जयपुर का गढ़ रहा है, यहाँ पे लगातार जयपुर ये कांग्रेस सीट एक बार जब बेहद जोशी बनी तभी ये सीट जीत पाए थे, उसके ज्यादातर ये सीट बीजेपी के ही खाते में जाती। बिल्कुल हर्षा, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हर्षा कुमारी सिंह हमारी संवाददाता जुड़ रही थी हमारे साथ, बता रही थी कितना कुछ बारीकियां इस सीट पर लोकसभा चुनावों को लेकर के होने वाली हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास अब कांग्रेस के नए उम्मीदवार यहां से बनाए गए और सुनील शर्मा ने अपनी उम्मीदवारी यहां से छोड़ दी है।
प्रताप सिंह खाचरियावास अब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे जयपुर शहर सीट से। पहले सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कुछ विवादों से उनका नाम जुड़ने के बाद सुनील शर्मा की उम्मीदवारी पर खतरा मंडराया और अब परिणाम स्वरूप नाम उनका रिप्लेस कर दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए पांचवी लिस्ट थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी भी जारी कर सकती है। 15 प्रदेशों की कुल सीटों पर अब घोषणा होनी है। राजस्थान की भी 10 सीटें उसमें शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी तमाम बड़ी बैठकों के बाद अब किसी भी वक्त अपनी सूची वो जारी कर सकती है और बड़ा ये इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी की सूची का भी लगातार। अब 4 सूचियों में 291 नामों का ऐलान पार्टी ने कर दिया था। पांचवी सूची में उम्मीद है कि बचे हुए 15 प्रदेशों की कुल सीटों पर पार्टी घोषणा करेगी। राजस्थान में 10 सीटें शेष हैं जहां पर पार्टी को अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना है, उसी का इंतज़ार। 3 घंटे तक कल रात बैठक चली। आज प्रधानमंत्री के आवास पर भी जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री की बैठक हुई है। कुछ सीटों पर ज़रूर पेच फंसा हुआ था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि उन पर समाधान निकल गया है और अंतिम फैसला बची हुई सीटों पर भी हो गया है। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी की दूसरी पांचवी सूची ये जारी होगी, जिसमें जयपुर की प्रदेश कार्यकारिणी अब इस सूची को जारी कर सकती है। केंद्र की तरफ से सूची पर गहन मंथन हुआ है और राजस्थान की बीजेपी कार्यकारिणी अब पांचवी सूची किसी भी वक्त जारी कर सकती है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की पांचवी लिस्ट किसी भी वक्त आ सकती है। कांग्रेस ने भी अभी 3 नामों का ऐलान किया, 2 उसमें नए नाम और 1 रिप्लेस किया गया।